अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही मज़े की क्रिस्पी और जूसी चिकन फ्राई रेसिपी। चिकन फ्राई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 500 ग्राम हम चिकन लेंगे बोनलेस, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बेसन लेंगे 2 टीस्पून, खट्टी दही लेंगे 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला लेंगे 2 टीस्पून, लेमन जूस लेंगे, रेड फूड कलर लेंगे 1 पिंच, गरम मसाला लेंगे 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, सूजी लेंगे 4 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, नमक लेंगे, मैदा लेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन में अब हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इसे प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन पकने के बाद जूसी बने, और इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और सभी को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अगर जल्दी हो तो 30 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, वरना इसे हम 2 आवर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में। हाँ जी, अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन के टाइम धनिया पत्ती नहीं ऐड करना। हाँ जी, ऑलरेडी मैंने ऑयल हीट करने के लिए रख दिया था। अब हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए। तो एक तरफ का अब हमारा चिकन पक चुका है, अब हम दूसरी तरफ टर्न करेंगे और इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है और देखने में कितना क्रिस्पी और जूसी लग रहा है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।